नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे और आपके यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि हम बहुत सारे लोगों को यहाँ पे बुलाते हैं, और आज हमारे साथ पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है महविश नाज ने, जो कि एक यूट्यूबर है, और मेरे काफी इंटरव्यूज हो चुके हैं इनके साथ। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया महविश वक्त देने के लिए, और आपका मैं बहुत स्वागत करना चाहूंगी अपने चैनल पे। थैंक यू सो मच फाइका, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग एंड हैविंग मी हियर। प्रेयर इज ऑल माय। थैंक यू सो मच महवेश, हमारे ऑडियंस के लिए टाइम निकालने के लिए। और जैसे हम बहुत सारे मुद्दों पे बात करते हैं, और आमतौर हमारा यही इंडियन यूट्यूबर्स का यही टॉपिक रहता है कि जितने भी पाकिस्तानी प्रोपेगेंडे होते हैं, या फिर जितने भी पाकिस्तान से रिलेटेड जो है हमारे कश्मीर के नाम पे या भारत के नाम पे जितने भी प्रोपेगेंडे चलाए जाते हैं, हम उन चीजों को एक्सपोज करने की कोशिश करें। क्योंकि पाकिस्तान से भी हमें बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, और पाकिस्तान की जो भी रियालिटी होती है, रियल सिनेरियो होता है, उसे हमें आगाह कराते हैं। सबसे पहले आपसे मैं पूछना चाहूंगी, चूंकि चंद्रयान 3 जो है लॉन्च हुआ, सक्सेसफुली पहुंच गया वहां, लेकिन 2019 के सिनेरियो से भी आप आगा होंगे कि 2019 में जब चंद्रयान 3 का मिशन कंप्लीट नहीं हुआ था, तो आपके एक मिनिस्टर फवाद चौधरी ने भारत पे सवाल उठाए थे, उनको ट्रोल किया था, और आज वही आपके मिनिस्टर, वही फवाद चौधरी जो है, उन्होंने आज भारत को कॉन्ग्रेचुलेट किया, ISRO को कॉन्ग्रेचुलेट किया, और कई ऐसी शब्द जो है इंडिया के बारे में बहुत सही सही शब्द बोले। आपको क्या लगता है, एक तरफ से उन्होंने 2019 में जो है इंडिया को ट्रोल किया, इंडिया के अभिनंदन को ट्रोल किया, हमारे पायलट को ट्रोल किया, हमारे ISRO को ट्रोल किया, और आज जो है वो एक इस किस्म की मुबारकबादें दे रहे हैं। आपको क्या लगता है, कैसा चेहरा है ये, आप किस नजरिए से उस चीज को देखते हैं? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फाइका मुझे मौका देने के लिए कि मैं आपके व्यूअर्स तक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकूं। तो ये जो सारी बात आपने कही फवाद हुसैन चौधरी के अबाउट, फवाद हुसैन चौधरी ने 2019 में उस टाइम पे उनका बड़ा दौर दौरा था, और उन्होंने जो स्टेटमेंट पास की हिंदुस्तान को लेके, शायद वो ऐसी स्टेटमेंट कोई अनोखी स्टेटमेंट नहीं थी या कोई वाहिद स्टेटमेंट नहीं थी पाकिस्तान के हुक्मरानों की जानिब से। ऐसी बहुत सी स्टेटमेंट्स हमेशा सामने आती रहती हैं, चाहे वो बिलावल भुट्टो जरदारी हों, चाहे वो हमारे शहबाज शरीफ हों, या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में बंदा क्यों ना हो, हर तरफ से ना ऐसी स्टेटमेंट्स हमें सुनने को मिलती रहती हैं। और उन्हीं स्टेटमेंट्स को फॉलो अप करते हुए फवाद चौधरी ने भी स्टेटमेंट सामने रखी कि कश्मीर के लिए बड़ा चंद्रयान ये होगा कि वो कश्मीर रिहा करवा ले। फिर उन्होंने कहा अभिनंदन को भेजने की बजाय अपनी पॉवर्टी पे फोकस करने की जरूरत है, चंद्रयान जैसे मिशन पे पैसा जाया करने से बेहतर है कि हिंदुस्तान अपने अंदर कोई और काम करे। तो इस तरह की दो तीन डिफरेंट पर्सपेक्टिव से जो ना स्टेटमेंट्स कही, मुझे ऐसा लगता है कि अब जो हिंदुस्तान बन गया है, 5 साल इंतजार किया हिंदुस्तान ने उस एक बात का जवाब देने के लिए, तो अब जो हिंदुस्तान ने तमाचा मारा है, पाकिस्तान तो नहीं पूरी दुनिया के मुंह पे, दैट इज इनफ, और उससे बड़ा जवाब हो नहीं सकता कोई। जहाँ तक बात है फवाद हुसैन चौधरी की, तो उनकी स्टेटमेंट्स कोई एक ऐसी स्टेटमेंट नहीं है। वो जब भी कोई इंसान पावर में होता है, इक्तदार में होता है, तो वो समझ लेता है कि शायद कुछ भी बोलने पे मेरा राइट है, मगर वो ये नहीं सोचता कि उससे पहले मेरा राइट अपनी कंट्री को इस पर काम करने पे, इसको स्टेबल करने पे कुछ है। आज अगर हम देखें पाकिस्तान के करंट सिनेरियोस क्या है, पाकिस्तान की सिचुएशन क्या चल रही है, तो उसके मुताबिक आई डोंट थिंक सो कि कोई भी हुक्मरान उठ के इंडिया को फेवर करने से गुरेज करेगा। आज पाकिस्तान का सबसे जो है फेमस लीडर इमरान खान, वो ही ऑल्सो प्रेज इंडिया। शहबाज शरीफ जी हैं तो वो भी उठ के कहते हैं कि हमें साथ वाले मुल्क से कुछ सीखना चाहिए। नवाज शरीफ साहब बैरून मुल्क बैठे हिंदुस्तान की तारीफ कर रहे होते हैं, तो देयर इज समथिंग जिसकी वजह से वो सब करे, वरना ना ही तो इंडिया से कोई एड आती है और ना ही हिंदुस्तान के साथ अंदरूनी ताल्लुकात इतने बेहतर है कि उसकी तारीफ की जाए। तो ये बात बड़ी फैक्चुअल है कि हिंदुस्तान ने खुद को प्रूव किया है, प्रूव करके दिखाया है कि यस वी आर समथिंग एंड यू शुड प्रेज अस। जहाँ तक बात है कश्मीर की, अगर हम बात करें, उन्होंने कश्मीर के बारे में बात की कि कश्मीर लेके दिखाओ, तो आज हिंदुस्तान के बहुत से जर्नलिस्ट से मैंने भी इंटरव्यू किए, लिटरली वो दावा करते हैं कि ना सिर्फ कश्मीर बल्कि हम लोग आप लोगों से गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान और ये सारा एरिया लेकर दिखाएंगे। और इसका एक एक्ट, हमें टेक्निकल एक्ट जो है वो सामने भी आ चुका है, जिस तरह से ट्विटर की लोकेशन एलन मस्क ने शो करवाई है इंडिया के अंदर गिलगित बल्तिस्तान की। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान को फ्रंट फेस वार की जरूरत नहीं है, ये जंग का एरा नहीं है, इसमें कोई भी दो मुल्क जंग ना अफोर्ड कर सकते हैं ना
करेंगे। नो डाउट दोनों कंट्री सुपर पावर है, एक झटके की मार है एक दूसरे के लिए, मगर उससे जितना लॉस होगा कंट्रीज का, इकोनॉमी का, जितनी ह्यूमिलेशन होगी, जितनी ह्यूमैनिटी का नुकसान होगा, दोनों कंट्रीज अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बड़ा स्मार्ट खेल रहा है इंडिया कि इतना स्मार्टली जो है उन्होंने इस चीज को देखते हुए, जिस तरह ट्विटर के एलन मस्क से मिले हैं पीएम मोदी जी, और कुछ ही दिनों के बाद एलन मस्क ने गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो है लोकेशन इंडिया की शो करवाई है। तो मुझे लगता है आईटी से ही अब वो चीजों को अपने वश में करना बहुत अच्छे से जानते हैं। जिस तरह चांद पे पहुंच गए सॉफ्ट लैंडिंग, इंडिया इज द फोर्थ कंट्री टू लैंड सॉफ्टली ऑन अर्थ। होपफुली इनका मिशन कंप्लीट होगा, क्योंकि पीएम मोदी जी की मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगती है कि ही ऑलवेज यूज्ड टू से कि हम अपनी धरती माँ के लिए काम नहीं करते, हमारी धरती माँ पूरी दुनिया है और हम लोग इस सारी के लिए काम करते हैं, और हम इंसानियत बिल्कुल को मुद्दा बना के चलते हैं, हम ना कि हिंदुस्तान को मुद्दा बना के चले। तो बिल्कुल आई थिंक इट्स रियली अप्रिशिएटेबल, और इसी तरह अगर ये लोग काम करते रहे तो एक दिन तमाम दुनिया के दिलों में घर कर जाएंगे, ना सिर्फ उनको अपने वश में करेंगे। अब बिल्कुल महविश, ये तो क्वालिटी है हमारी कंट्री की, हमारे भारत की, कि हम लोगों में कोई धोखलापन नहीं है, हम जो है सामने और हम इंसानियत और पूरे विश्व के लिए काम करते हैं। और चंद्रयान 3 ये भी मिशन जो था, ये हमारे पूरे विश्व के लिए था, इंसानियत को, मानवता के लिए था। खैर, आपसे पूछेंगे, एक तरफ से इंडिया इतना आसमानों की बुलंदियां छू रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से आपसे जानेंगे, पाकिस्तान ने ये दावा किया है कि 1500 मीटर का ऊपर का वो पांच सौ झंडा पांच सौ गाड़ेंगे, पांच आई सौ एम मीटर 500 मीटर सॉरी 500 मीटर ऊपर ऊपर का वो झंडा गाड़ेंगे पाकिस्तान का, और IMF से डॉलर्स कलेक्ट करके न सिर्फ अपनी जितनी भी माली हालात, फाइनेंशियल क्राइसिस है वहां पे, अपने लोगों के लिए ना काम करना, बल्कि एक ऐसे अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में एक ऐसे मुल्क के साथ कंपेयर करना जहां पे कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है। बीइंग एज ए पाकिस्तानी, आपको क्या लगता है ये चीजें क्यों कर रहा है पाकिस्तान, जबकि उनको अपने अवाम के लिए सोचना चाहिए था, जबकि उनको अपने हालात के लिए सोचना चाहिए था, जबकि पाकिस्तान में जिस प्रकार से हालात हो रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि उनको पहले हालात पे फोकस करना चाहिए था, उनको अपने लोगों पे पहले फोकस करना चाहिए था? बजाते एक चंद्रयान 3 का लॉन्च हुआ तो उनको बस अपना झंडा गाड़ना है, वो भी ऊंचाई पे। किस नजरिए से देखिए आप इंसान, इसे? हर इंसान मुकाबला अपनी हैसियत से करता है, अगले की हैसियत देखकर नहीं करता। आप लोगों की एबिलिटी बिल्कुल थी चंद्रयान 3 की, आप लोगों ने कर दिखाया, हमारी एबिलिटी सिर्फ झंडा गाड़ने की है। मेरे पास यहाँ पे कुछ डेटा है, 2017 में इंडिया ने लहराया था 360 फीट का झंडा, जिसके मुकाबले में अगले साल पाकिस्तान ने लहराया 400 फीट का झंडा। फिर उसके बाद इंडिया ने लहराया 418 फीट का झंडा पिछले साल 2022 के अंदर। तो पाकिस्तान को अब कुछ तो बड़ा करना है, तो पाकिस्तान लहराने जा रहा है 500 फीट का झंडा। इस दफा अगर 15 अगस्त को पाकिस्तान की इस 500 फीट झंडे वाले मिशन को इंडिया जो है टक्कर दे जाता है, तो अगली दफा इंशाल्लाह हम लोग 600-700 फीट झंडे का पहुंचेंगे। जस्ट तो आपसे जो भी हम अपना सकते हैं या जहां हम इजीली फॉलो अप कर सकते हैं, दैट इज ओनली अ फ्लैग। उससे ज्यादा अभी हमारी ना इकोनॉमी स्टेबल है, ना हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कंट्री के अंदर, मतलब हमें कोई भी चीज इस वक्त इतना देखिए देखिए, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया तो वहां पे झंडा लहरा चुका था, क्योंकि पॉवर्टी रेट उतनी नहीं थी, हमारी कंडीशन ठीक थी, हमारी 2014 से ही कंडीशन बहुत ज्यादा ठीक थी, पैसे पहले से ही थी। अप्स एंड डाउन तो हर किसी कंट्री का पार्ट है, अप्स एंड डाउन तो हर किसी कंट्री में आते रहते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता है कि बस एक तरफ से IMF से भीख मांग के डॉलर्स लेना, फिर दूसरी तरफ से झंडा गाड़ना, आपको क्या लगता है कि किस किस दिशा का है? आपको नहीं लगता है कि उनको पहले अपने लोगों पे फोकस करना चाहिए था, बजाते किसी कंट्री में झांकने से, वो अच्छा करा, ये ऐसा करा? क्या पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स अपने लोगों के लिए अच्छा नहीं कर सकते? अगर वही 400 मिलियन झंडे पे लगाने की बजाय, और जो इतना एक एक इंसान के ऊपर 14 अगस्त पे पेंटिंग्स पे झंडे गुब्बारे तूतियां बाजे इतना कुछ खरीदो फरोख्त करने में जो हर दिन हर पाकिस्तानी लगाता है, इतनी अगर वो लोग कंबाइन करके इसको किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जो आने वाले यूथ के लिए बेनिफिशियल हो, सब छोड़ें बच्चों की बुक्स पे अगर इतना इन्वेस्ट कर दिया जाए, एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर दिया जाए, तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक बेहतरी आ सकती है। आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि 75% ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी बजट हम लोग जो है आर्मी पे लगाते हैं, और इतनी स्ट्रिक्ट स्ट्रॉन्ग आर्मी होने के बावजूद सियाचिन के बॉर्डर भरे हुए, आप कश्मीर की हालत देख लें, इतनी स्ट्रिक्ट जी फोर्सेस होने के बावजूद सीमा सीमाएं पार करके चली गई, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए तो डिसअपॉइंटमेंट के सिवा फिलहाल कुछ नहीं होता है, बट आई एम वेरी मच होपफुल यूथ इज वर्किंग फॉर इट, तो आने वाला फ्यूचर होपफुली ब्राइट होगा। जी, तो
और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप एक पाकिस्तानी है और इंडिया मतलब 2014 से ही जब से प्रधानमंत्री आए हैं बहुत सारी तरक्की कर चुका है, प्रधानमंत्री का नाम पूरे विश्व में गूंज रहा है, हर किसी स्टेट में हर किसी कंट्री में उनकी जय जयकार हो रही है, तो आप बीइंग एज अ पाकिस्तानी आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री के बारे में आपकी क्या विचारधारा है, आप क्या सोच रखती है उनके बारे में, और आपको क्या लगता है कि इतनी सारी डेवलपमेंट जो इंडिया में हो चुके, इतना सारा जो इंडिया ने अचीव किया है, किस इंसान की वजह से हुआ है ये सब? वेरी पॉजिटिव थॉट्स आई हैव अबाउट पीएम मोदी जी, और उससे ज़्यादा थॉट्स अच्छी मेरी इंडियन सिटीजन्स के बारे में है. लिटरली आई एम ऑल्सो रनिंग माई ओन यूट्यूब चैनल, और अगर मैं कभी अपनी वीडियो में या अपने थंबनेल में या कहीं पे भी, या इवन मेरा कोई गेस्ट पाकिस्तानी हो एंड दे यूज टू से मोदी, तो लोग नीचे भड़क उठते हैं. मतलब वो भड़क इसलिए उठते हैं कि मोदी के साथ जी क्यों नहीं लगाया, मोदी जी क्यों नहीं कहा, सर क्यों नहीं कहा, पीएम क्यों नहीं कहा, मतलब आप लोगों ने उनको रिस्पेक्ट अपने वर्ड्स में भी क्यों नहीं दी, दे आर दिस मच कॉन्शियस अबाउट हिम, अबाउट हिज रिस्पेक्ट. तो जिस मुल्क की अवाम इतनी ज्यादा कॉन्शियस है एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने के मामले में, वहां के पीएम को अप्रिशिएट कैसे ना किया जाए. जहां तक बात है पीएम मोदी की, 2014 के बाद अगर हम हिंदुस्तान को देखें तो मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान मेरे लिए कोई आइडियल चीज हो सकता था या होगा, कभी कभी भी नहीं था. और मेरे लिए हिंदुस्तान, जब से मैंने होश संभाली है, बॉलीवुड के सिवा इंडिया में ऐसा कुछ नहीं था जो मुझे फैसिनेट करता, मगर आज इंडिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो दुनिया को, ना सिर्फ मुझे, दुनिया को फैसिनेट ना करे और जिसके ऊपर दुनिया अट्रैक्ट ना हो. इसमें बहुत एक और बड़ी बात आपको बताती चलूं कि टाटा ग्रुप्स ने अनाउंस किया है कि आईफोन 15 और आईफोन वहां पे मैन्युफैक्चर होंगे, नहीं आने देंगे, वो अपनी कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चर करेंगे. इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, मतलब एप्पल को जरूरत ही नहीं है अब आप लोगों में बिला वजह घुसने की, टाटा ग्रुप इज इनफ फॉर दैट. तो जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अपनी हो, प्रोडक्शन अपनी हो, आपका जो है रेलवे कितना तरक्की कर गया, जमीन की सतह से लेके आसमान चांद तारों तक आप लोग काम कर रहे हैं, तो डोंट यू थिंक सो कि इसके पीछे एक तो स्ट्रांग हाथ होगा ना. और जो चीजें लीड कर रहा होता है, हमेशा जब भी कोई टीम मैच जीतती या हारती है तो हम लोग क्रेडिट देते हैं कैप्टन को, क्योंकि खेलता सिर्फ कैप्टन तो नहीं है, पूरी टीम खेलती है, मगर हम क्रेडिट कैप्टन को देते हैं क्योंकि वो लीड कर रहा होता है, इंस्ट्रक्शंस पास कर रहा होता है. तो आई थिंक ये बहुत अप्रिशिएटेबल चीज है और इसमें क्रेडिट जाता ही जाता है पीएम मोदी जी को. नो डाउट अवाम ने भी साथ बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, अवाम अगर ऐसी नहीं होती तो आई डोंट थिंक सो कि कुछ हो सकता था. बट विद दैट टैलेंट को निकालने में, टैलेंट हंट करने में, क्रिटिकल थिंकिंग, इन तमाम चीजों को फॉर्म में लाने में पीएम मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ है. रूल सिर्फ बनाने में नहीं बल्कि बना के मनवाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि बनाए तो हर जगह जाते हैं, पाकिस्तान में भी हर दिन रूल्स बनते हैं, बदलते हैं, नए आते हैं, पुराने जाते हैं, मगर मनवाया नहीं जाता. तो आई थिंक कि इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं एंड आई रियली अप्रिशिएट हिम फॉर दैट. और ऐसा पीएम हर कंट्री को मिलना चाहिए था कि इन फ्यूचर हर कंट्री ना सिर्फ अपने मुल्क के लिए काम करे बल्कि इस पूरी धरती के लिए काम करे, इंसानियत के लिए काम करे और अपनी सोच को बदल देखिए, जिस तरीके से आपने बातचीत की कि इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं था, वो ये वगैरह वगैरह, लेकिन खैर इंडिया पाकिस्तान का तो मसला बहुत पहले से चलता आ रहा है, लेकिन वी इंडियंस रियली डोंट केयर अबाउट पाकिस्तानीज व्हाट दे थिंक अबाउट अस. हमें बस आज फर्क पड़ता है वर्ल्ड से, हमें आज फर्क पड़ता है कि दुनिया में किस तरीके से भारत को ट्रीट किया जाता है. खैर आपसे और एक सवाल पूछना चाहूंगी, चूंकि पाकिस्तान जो है इस टाइम पे भुखमरी का, आपको पता है, आप या मैं ये बात नहीं कह सकते कि पाकिस्तान को भारत से या भारत को पाकिस्तान से फर्क नहीं पड़ता. भारत जितना भी ऊपर चला जाए, भारत के लोगों को पाकिस्तानियों से फर्क पड़ता है, भारत के पॉलिटिशियंस को पाकिस्तानियों से. ये बिल्कुल, ये बिल्कुल, ये बिल्कुल, ये बिल्कुल, ये बिल्कुल, महवेश महवेश, ये बिल्कुल, ये बिल्कुल, ये बिल्कुल सरासर गलत बातें हैं. अगर हमें पाकिस्तान से फर्क पड़ता तो हम इतने ज्यादा डेवलप आज हुए ही नहीं होते. हमें बस हमारे प्रधानमंत्री ने ये सिखाया है, प्रधानमंत्री ने हमें ये सिखाया है कि हमारे प्रधानमंत्री ने हमें ये सिखाया है कि आप जवाब दो और आप उस नेशन को कंसिडर कहीं करो ही ना, क्योंकि योर नेशन, आपकी कंट्री कहीं पे एग्जिस्ट करती नहीं है, आपकी कंट्री कहीं पे एग्जिस्ट करती. लेट मी क्लियर यू वन थिंग, लेट मी क्लियर यू वन थिंग. ये पता है, ये आपको गलत फहमी है, ये पहले आप क्लियर कीजिए. ये
ये पहले आप क्लियर कर सकते हो, पहले ये रोज पहले आप टीवी इंडिया पे आ पाकिस्तान में तड़का हुआ करता था, दैट इज वाई लोग उनको देखना पसंद करते थे, नथिंग एल्स। पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। अदरवाइज वहां के लोग क्लियरली, आप शायान अली को देख लीजिए, आप अमजद अयूब मिर्जा को देख लीजिए, वो क्लियरली बोलता है वी डोंट कंसिडर पाकिस्तान एज ए कंट्री। सो आपके ही चेहरे आके खुद बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पे आके खुद बोल रहे हैं कि पाकिस्तान से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इवन हमारा प्राइम मिनिस्टर आके ये बोलता है, इवन प्रधानमंत्री आके ये बोलता है, महविश महविश महविश, इवन प्रधानमंत्री जी आके ये स्पीच में बोलते हैं, इवन प्रधानमंत्री मोदी जी आके स्पीच में ये बोलते हैं कि पाकिस्तान को कंसिडर ना करो कुछ किसी भी चीज में, कि पाकिस्तान को किसी भी चीज में कंसिडर ना करो। शायद आप लोग हमसे जलते होंगे, शायद पाकिस्तानी हम लोगों से, यू नो, हम हमारे नाम पे वो प्रोपेगेंडा क्रिएट करते होंगे, हमारे नाम पे वो अपनी धरती पे, यू नो, ये फैलाते होंगे। लेकिन आपने देखा होगा इंडियन यूट्यूबर्स हर जगह पे जो है इंडिया की बात करता है, और हमेशा कश्मीर की बात करता है, क्योंकि कश्मीर के नाम पे हमेशा प्रोपेगेंडे पाकिस्तान में चलाए जाते थे। और सेकंड थिंग, आप सियासत की बात करोगे तो आप लोगों की सियासत भी हमारी वजह से चलती है वहां पे, कश्मीर, इंडिया, भारत, वो ये, आप देखो हर जगह पे टॉपिक्स वही रहते हैं आपके, जबकि आपके अंदरून की कंट्री में मसले कितने ज्यादा होते हैं लेकिन उनको कोई उठाने की कोशिश नहीं करता है, दैट थिंग क्लियरली डिपिक्ट्स इट। खैर छोड़ो, आप नए नेक्स्ट सवाल पे हम आते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा आपसे, क्योंकि मैंने आपका जवाब सुना ही नहीं है, मैं नेक्स्ट सवाल पे नहीं आते हैं। यू आर कंडक्टिंग इंटरव्यू, यू शुड पुट योर क्वेश्चन एंड लिसन टू मी फर्स्ट। मैंने पूरा जवाब दिया, यू हैवंट इवन मतलब हर्ड मी वंस। आई एम सेइंग मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपने एक भी दफा नहीं सुना है। आई एम क्लियरली सेइंग कि ऐसा हो, आपका आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका पॉइंट ऑफ व्यू महविश, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये था, अगर मैं कंडक्ट कर रही हूँ इंटरव्यू, बट आई कांट, बट आई कांट टॉलरेट दिस, यू आर सेइंग दैट यू नो इंडियंस हैव इंडियंस हैव इंडियंस को फर्क पड़ता है, इंडियंस को वो होता है, इंडियंस को ये होता है, तो पाकिस्तान को शायद फर्क पड़ता होगा लेकिन इंडियंस को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं इंडिया में रहती हूँ और हम लोगों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हमारे प्रधानमंत्री ने क्लियरली स्पीच में आके, आप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच चेक करें, वहां पे क्लियरली, ओके, आप क्लियरली अपना आंसर सुने, आप क्लियरली अपना जवाब दे बखूबी। आपको लगता है हिंदुस्तान को जवाब नहीं पड़ता? मिलियन से ज्यादा सना अमजद की वीडियोस पे व्यूज आते हैं, कौन है? सारा इंडियन व्यूअरशिप है। सुहेब चौधरी की वीडियोस पे सारी व्यूअरशिप इंडिया की है। अनम, मुजम्मिल, निमरा, पता नहीं, देयर आर हेल लॉट ऑफ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स। क्यों हर दे हर दूसरे दिन इंडियन कंटेंट पे काम करना शुरू करते हैं? बिकॉज इंडियन व्यूअर्स आर इंटरेस्टेड, क्योंकि उनको इंडियन व्यूअरशिप होती है, क्योंकि उनको इंडियन के सिवा देखता ही कौन है, क्योंकि इनको इंडियन के सिवा देखता ही कौन है, तो उस चीज को सुनने के लिए ही आते हैं चैनल्स पे। सो यू कांट डिनाई दिस थिंग, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स हो या पाकिस्तानी आवाम हो, सुनना एक होता है महविश, सुनना एक होता है, दूसरा होता है फर्क पड़ना। हम लोग आप लोगों को लाइटली लेते, हमारे यूट्यूबर्स के लिए भी आके ये बोलते हैं कि हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता। आप आलोक रंजन जी को देख लो, आप डीडी रिएक्ट को देख लो, वो तो क्लियरली आके बोलते हैं पाकिस्तान क्या बोले क्या नहीं बोले, हमें उस चीज कोई। आप मुझे एक बात बोलो, फॉरेन पावर्स, फॉरेन फॉरेन कंट्रीज जब आपको, यू नो, फॉरेन कंट्रीज जब आपको, यू नो, नेग्लेक्ट करते हैं, आपके पाकिस्तान को नेग्लेक्ट करते हैं, वो बोलते हैं पाकिस्तान इज नॉट एनी नेशन, हम कंसिडर नहीं करते पाकिस्तान को, हर जगह पे जिल्लत और जलीलो खार होना पड़ता है। तो आप वहां पे बताए, जब वहां पे उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता तो हम लोगों को क्या ही कुछ फर्क पड़ेगा? एंड देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सिर्फ सिर्फ लेट मी कंप्लीट महविश, आपने क्वेश्चन पूछा तो लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। आपने ये बोला कि वहां पे इंडियन व्यूअर्स होते हैं तो वो बस तड़के के लिए वहां पे आते हैं, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान टॉपिक हमेशा तड़के का रहता है, दैट इज व्हाई लोग मजा लेने के लिए आते हैं, फर्क नहीं पड़ता है, लोग बस हंसी मजा और यू नो खुद को एंटरटेन जब कराना होता है तो पाकिस्तानी की इलॉजिकल और अनएथिकल बातें सुनते हैं, जो वो वहां पे ग्राउंड पे क्लियरली बोलते हैं, जो वो सब्जेक्ट उनको पढ़ाते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी ने सुनते क्यों है महवेश, वही मैटर है ना, जब आपकी इलॉजिकल बातें, अनएथिकल, यू नो, डीडी रिएक्ट के आप वीडियोस देख लो, आप आलोक रंजन जी के वीडियोस देखो, वो क्लियरली जब उनके पास, यू नो, इंडियंस का एक सीन है कि उनके पास फैक्ट्स होते हैं, तो जब वो फैक्ट्स को ध्यान में नजर रखते हैं ना, तो उनका ये होता है कि ये देखो ये कैसे बात कर रहा है, क्योंकि उनको फेक हिस्ट्री अपने, यू नो, कॉलेज और स्कूल्स में पढ़ाई जाती है, तब जाके वो क्या करते हैं, तब जाके वो लोग वही चीजें आके बोलते हैं, और उनको, यू नो, सोशल मीडिया का जमाना तो आपके कंट्री में है नहीं, 2G है, तो वहां पे लोग कैसे देखेंगे, पाकिस्तानी लोग कैसे देखेंगे? आप दिल खोल के बोलो, फिर मैं आपको जवाब देती हूँ, जब आप बोल के हट जाओ फिर मुझे बताना, देना स्टार्ट,
जी, कोई मसला नहीं। तो जब आपके क्या बोलते हैं इनको, जब आपके कंट्री में वैसे नेट कंडीशंस भी नहीं है, आपकी कंट्री की हालत खस्ता हालत है, तो लोग सिंपली, मैं इतना बोलना चाहूंगी, लोग आते हैं तड़का देखने के लिए, लोग आते हैं आपकी इलॉजिकल और अनएथिकल बातें, वो पाकिस्तानी ऑडियंस जो होती है, सुहेब चौधरी की आप देख लो, वहां पे क्लियरली लोग आते बोलते हैं गजाए हिंद कर रहे हैं, क्यों करना है गजाए, नहीं बस गजाए हिंद करना, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है। सेम थिंग आता है कि नहीं, हमारे पास तो अटोमिक पावर है, चलाना किसी को आता नहीं, फिर बोलते हैं उस, अच्छा क्या है अटोमिक पावर में, इवन आधे लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि हम बोल क्या रहे हैं। तो आप मुझे बोलो कि जहां पे वो होता है ना, वो तड़के के लिए लोग आते, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का हमेशा से रहा है कि अगर मैच भी हुआ करता था तो तब भी जाके लोग होते थे, क्योंकि कॉन्ट्रोवर्सीज थी बीच में, नथिंग एल्स। फर्क पड़ना और देखना और व्यूज आना अलग बात है, और दूसरी बात फर्क पड़ना तो अलग बात है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने अपनी कई स्पीच में बोला है कि अगर आपको जवाब देना है तो एक बार नहीं 10 बार जवाब दो, एक गलती का जवाब 10 बार दो। लेकिन फर्क पड़ने की जहां से बात आती है, तो अगर हमें फर्क पड़ना होता तो शायद हम कहीं पे आगे नहीं निकल गए होते, शायद हम अभी अभी तक आप लोगों के साथ जंगे कर रहे होते, शायद हम लोग अभी तक आप लोगों के साथ वो नो अगर आप लोगों ने कोई बातें बोली, बस हम भी टेरर अटैक्स कराते, हम भी वो करते, हम भी ये करते, लेकिन हमारा ये मुद्दा नहीं था, हमारा बस पीस, प्रॉस्पेरिटी, ह्यूमैनिटी की तरफ मुद्दा था, हमारा बस विश्व को कुछ देने का मुद्दा था, और हम लोग कर दिखा रहे हैं, और पूरा वर्ल्ड नोज, दैट्स इट। जी ठीक है, बोल लिया, अब मैं स्टार्ट करूं। जी बोलिए। देखो, सारी बातों का एक ही जवाब है, एक कोट है, ब्रिटिश कोट है, इफ यू डोंट लाइक मी बट यू स्टिल फॉलो मी देन विच यू आर अ फैन। समझे? इफ यू डोंट जी, लाइक मी बट यू स्टिल फॉलो देन ब्रो यू आर अ फैन। बात खत्म हो दैट्स गई। इट, दैट्स व्हाट पाकिस्तानीज डू, दैट्स व्हाट पाकिस्तानीज डू, दैट्स व्हाट पाकिस्तानीज डू, या आप पे खुद सेम पे अप्लाई होता है, ये पाकिस्तानीज पे अप्लाई होता है, बिकॉज़ हर जगह पे आपके, व्हाट महावेश, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। आपकी कंट्री में मुद्दे होते हैं, लेकिन आप वो मुद्दे छोड़ के इंडिया को फॉलो करते हो, दैट मींस यू आर द फैन ऑफ इंडिया एंड यू शुड एक्सेप्ट इट। आप लोग व्यूअरशिप गेन कर रहे हो इंडिया की वजह से, दैट मींस कि देयर इज समथिंग इन इंडिया, देयर इज समथिंग इन इंडिया, यू आर पोस्टिंग सेम टॉपिक्स ऑन इंडिया, ISRO के पीछे लगे हो, अपनी कंट्री में देख लो ना, अपनी कंट्री में भुखमारी हो रही है, वहां पे क्यों नहीं बात करते, क्योंकि वो कोई देखेगा नहीं। आपकी कंट्री में जो असलियत है, उन टॉपिक्स पे क्यों नहीं काम करते हो आप लोग, आप लोग सिर्फ इंडियंस के पीछे क्यों लगे हो, देन यू आर अ फैन ऑफ इंडिया ना, देन दिस कोट अप्लाइज ऑन यू, दैट्स इट। वी डोंट हम हमारे यूट्यूबर्स में से आप बोलो, हमारे यूट्यूबर्स में से आप बोलो, हम लोग सिर्फ जब चंद्रयान हो लॉन्च हुआ, या फिर बहुत सारी ऐसी अचीवमेंट्स हुई, तो हम पीएम मोदी वगैरह, हमें तो कभी ये नहीं बोला कि पाकिस्तान ऐसा कर रहा है, पाकिस्तान ऐसा कर रहा है, क्योंकि हमें अपनी इंडियन ऑडियंस है, हमें अपनी इंडियन सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोगों को इंडियंस का मुद्दा उठाना पड़ता है, तब जाके आप लोगों को थोड़ी बहुत इंडियंस से वो मिलती है, क्या क्या, अगर आप इंडियंस की वाहवाही नहीं करोगे तो आप लोग सेम सेम थिंग, आपने देखा भी होगा, क्योंकि हर एक हमारे भारतवासी के लिए सबसे पहले नेशन फर्स्ट होता है, ना कि रिलीजन फर्स्ट होता है। तो अगर आपने देखा ही होगा कि आप लोगों को टॉपिक्स भी कहां से उठाने पड़ते हैं, इंडिया से उठाने पड़ते हैं, आप लोग चाहे सुहेब चौधरी हो, कोई भी हो, आपने जिस जिस यूट्यूबर का नाम लिया, आप मुझे बोलो आपकी कंट्री में कौन ये टॉपिक, हर बार आप लोग इंडिया से कंपेयर करते हो अपने पाकिस्तान को, हर बार आप लोग पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन में चलाते हो, इंडिया वो कर रहा है, इंडिया ये कर रहा है, अपना अपनी बात करो ना, विदाउट इंडिया, विदाउट इंडिया, जस्ट फॉरगेट द नेम ऑफ इंडिया एंड वर्क फॉर योर ओन कंट्री, अगर आप लोगों को इतना ही है। बाकी आप बोल रहे हो यू आर ए फैन ऑफ इट एंड वगैरह, आपने ब्रिटिश कोट बोला कि यू डोंट लाइक मी बट यू फॉलो मी, बट देन ब्रिच यू आर ए फैन ऑफ मी, देन दिस कोट अप्लाइज ऑन यू बिकॉज यू आर आप लोगों के पीछे उछुल मिट्टी होती है। Please stop repeating words. I'm not repeating the words. I'm not repeating the words. I'm giving you the answer of your own quote. You have quoted. You have said a quote. You have said a quote, and I am simply answering you. I'm simply answering you because you are debating on the topics of India. That's it.
आई एम नॉट यू नो रिपीटिंग द वर्ड, आई एम नॉट रिपीटिंग द वर्ड बिकॉज आई हैव द कैपेबिलिटी टू 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 अंडरस्टैंड माय ऑडियंस हियर, टू अंडरस्टैंड माय ऑडियंस हियर. इट शुड एंड हियर. आपको पता है आप बोलिए. ओके ओके ग्रेटली. आई डोंट वांट टू टॉक विद यू. लाइक वी डोंट केयर व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट अस. वी रियली डोंट केयर. वी रियली डोंट केयर. वी डोंट केयर. आप बोल रहे हो नहीं, मैं कभी अपनी कंट्री के बारे में कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूंगी. महवेश, मैं अपनी कंट्री के बारे में कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूंगी बिकॉज माय नेशन कम्स फर्स्ट. आप लोगों ने शायद अपना ईमान बेचा होता है बट मैंने नहीं. तो वी विल एंड दिस डिबेट. जी इंटरव्यू क्यों कर रहे हो? पाकिस्तान इंटरव्यू के लिए आप इसका मतलब मैंने आपको इंटरव्यू के लिए ये तो नहीं बुलाया कि आप मेरे नेशन की पहले कुछ बोल दो फिर मैं चुप करके बैठ जाऊं क्योंकि आई एम एन इंडियन हेयर. आई एम एन इंडियन हेयर एंड देयर इज एन इंडियन ब्लड इन माय वेन्स. हाउ कैन आई टॉलरेट अनएथिकल थिंग्स लाइक इलॉजिकल थिंग्स स्ट्रेस फ्रॉम योर साइड. सो इट इज नॉट टॉलरेबल एंड इट इज अनबेयरेबल. ओके इट इज अनबेयरेबल. मैंने तो सुनी. आप ही ने कोट एक मेंशन किया था ना यहाँ पे. आपने तो कोट एक मेंशन किया था ना पाकिस्तान के बारे में कि आप मुझे फॉलो करते हो. तो ये मैंने उसी चीज का आंसर दे दिया. दैट्स इट. आप लोग पहले लॉजिक्स देखो, आप लोग पहले फैक्ट्स देखो, देन बातचीत करो. बाकी ये यू नो ये अनएजुकेटेड बिहेवियर आई वी रियली डोंट लाइक दिस. इंडियंस रियली डोंट लाइक दिस. एंड इफ यू टॉक जरूर कीजिएगा कि कौन सही है कौन गलत है. थैंक यू सो मच महावीश फॉर ज्वाइनिंग अस. तो आज का डिबेट यहीं पे खत्म होता है. बाकी जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर.